सी uh, मेरी मम्मी शुरू से ही लिख रही है मेरे ख़्याल से जब कॉलेज में थी तब से लिखती थी लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी सीरियसली लिया ही नहीं तो जो भी लिखती थी वो कागज़ पे लिखकर या तो फेंक देती थी या फिर कहीं पे पड़ा हुआ मिलता था सो रफ कॉपीज़ में या कहीं मेरी किसी नोटबुक के पीछे या फिर कहीं ऐसे सो शी हैड दिस ड्रीम कभी कि मेरी कोई किताब जो है वो सो शी शीना बट सीरियसली उनको था कि कभी मेरी एक किताब जो है कभी छपनी चाहिए लॉन्ग फॉर लॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ऐसा कभी शायद होगा सो जब बॉम्बे आ गई एंड मैं और मेरा भाई राहुल सो वी स्टार्टेड कंपाइलिंग हर स्टेफ़ कहीं से ये उठाया फिर उनकी राइटिंग इतनी गंदी है कि मतलब आप चश्मा लगा के भी पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ आएगी कि क्या लिखा है सो so, दोनों एक बारियाँ लेते थे कि अब ये वाली पोएम तुम ठीक करो ये वाली मैं करती हूँ सो यूज टू लाइक रीड वॉट इज़ रिटन राइट इट दोबारा से कि पढ़ी जा सके फिर उसे हमने प्रिंट करवाया फिर जानते भी नहीं थे किसी को फिर एक पब्लिशर ढूंढा सो ऑन हर बर्थडे Uh, हमने उन्हें सरप्राइज़ दिया सुनील दत्त जी आए उसके लिए बुक रिलीज करने के लिए एंड आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट था वो क्योंकि uh, मैंने जिसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल करके भी कहा था कि प्लीज़ आ जाना दे वर राइट देर एंड दे वर देर ऑन टाइम तो वी आर सो यूज टू दिस फिल्मी फंक्शंस जहाँ आप गले मिल रहे हैं हाव यू करके फिर आप भूल जाते हैं ज़्यादातर ऐसा होता है नॉट ऑलवेज बट यहाँ एक ऐसा फंक्शन था जहाँ सब इसलिए आए थे क्योंकि देर वॉज सम इमोशंस बिहाइंड इट तो आई थिंक इट वॉज माई मदरस मोस्ट स्पेशल बर्थ डे इट वॉज माई मोस्ट स्पेशल डे एंड आई क्राइड वन आई केम बैक फॉर द श्योर फीलिंग दैट यू लव्ड सो मच बाई पीपल अराउंड यू एंड इतने सारे विशेज बेस्ट विशेज एंड पीपल लिसनिंग टू हर फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज अ हाई

आई गज द बेस्ट वे टू फ्रीक आउट इज़ जस्ट बी विथ योर आई थिंक फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जहाँ आपको कुछ इन्हीबिशन uh, नहीं रखने कुछ छुपा के नहीं रखना कुछ मेक को वो करके नहीं बैठना कि अच्छा मैं यू नो वेरी मेडअप कुछ योर जस्ट योर सेल्फ योर जस्ट एडीज और सबसे प्यारा आउटलेट आई थिंक यही है कि आप जाते हो उन लोगों के पास जिनकी कंपनी आपको पसंद है उनके साथ कुछ मस्ती मज़ाक करते हो इकट्ठे खाना खाते हो और uh, एक दूसरे की खिंचाई करते हो और एम दो बकरा नंबर वन देर मेरी सबसे ज़्यादा खिंचाई होती है आई डोंट नो वाई आई हैव इट इन मी और एक तो मैं गिरती बहुत हूँ सो इसलिए दैट्स नंबर वन रीज़न फॉर मी टू बी खिचाउड So, uh, I think I just, we, we all just freak out. Kabhi uh, games khelte hain, kabhi masti karte hain, film Koi bhi secret film ke, we'll watch it. Ke. What is so this about this film? So, we just fall off laughing, all of us. So, sometimes bahut serious discussions hoti hain. So, they like vary, but that's still a group of the same friends uh, in different moods. So, it's nice. It's yeah, yeah. <laughs> okay. I think marriage is very important for everybody and... Uh,

this courtship period is beautiful and i think i'd i've never had a relationship relationship as such so this is something i'm enjoying and uh, i'd like to just be like that for a while before i settle down so no marriage for me right now no how did you guys meet well uh, he's not from the industry so we just happened to meet and uh, it's been nice he came to wish me for valentines all the way from goa when i was shooting in chandigarh and um, well, yeah, that's how we just got chatting and. <laughs> okay, thank you so much. Thank you.